उज्जैन के जिला पंचायत क्षेत्र में करीब 6 जनपद पंचायत आती है और सैकड़ों ग्राम पंचायत आती है, वहीं करीब 14 गांव आते हैं। उज्जैन जिला पंचायत क्षेत्र में 1.5 महीने के अंदर उज्जैन के जिला पंचायत क्षेत्र में करीब करीब गांव और अलग अलग गांवों से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इन मौतों के आंकड़े और रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों के पास पहुँच चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत, तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय भेज दिए गए हैं। अपने गांव और अपनी ग्राम पंचायत से एक शासकीय रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा मौत होना बताया गया है। वहीं गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से होना बताया है, जिसमें डायबिटिक, हार्ट अटैक, डेंगू बुखार, मलेरिया, लकवा, ब्लड प्रेशर, घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना, अन्य तरह की बीमारियों से मौतों का होना बताया गया है। शासकीय रिकॉर्ड और शासकीय दस्तावेज में जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लगातार गंभीर महामारी कोरोना वायरस के रोकथाम के तमाम प्रयास किए हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत में पंचायत सचिव के तौर पर अभी काम देख रहे हैं और क्या है? मैं ग्राम पंचायत दसाना में सहायक सचिव आवलिक GRS के पद पर कार्यरत हूँ और ग्राम पंचायत में इस कोरोना महामारी के काल में हमारे यहाँ कई बुजुर्ग और कई महिला, कई पुरुष और कोई अपने 18 से 45 वर्ष के बीच में करीब कितने लोगों का निधन हुआ होगा भाई साहब? 24 लोग का आज दिनांक तक हो गए भाई साहब। किस प्रकार से कौन सी बीमारियों का ज़्यादा असर देखने में रहा? ज़्यादा असर इन लोगों का क्या है, कई निमोनिया भी है, कई शुगर भी पेशेंट है और कुछ लोग मतलब ब्लड प्रेशर से भी, तो ये लोगों को बीमारी सामने आई। गंभीर महामारी कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हुई? कोरोना वायरस से भी एक लोगों को भी मृत्यु नहीं हुई, अभी 2 लोग हैं, अभी भर्ती हैं। बाकी अभी आपके पास ऐसे कोई आंकड़े कोरोना वायरस की मौत अन्य बीमारियों के हैं? अन्य पंचायत क्षेत्र है, करीब कितनी पंचायतें आती हैं और कितने लोगों का निधन हुआ होगा रिकॉर्डिंग तौर पर? उज्जैन ग्रामीण में हमारे क्षेत्र में 76 ग्राम पंचायतें आती है और हमने जो ग्राम पंचायतों से जानकारी ली है उसके आधार पर 1 अप्रैल से लेकर अभी तक लगभग 76 पंचायतों में 400 के आसपास लोगों के डेथ हुई है। मैडम क्या लग रहा है गंभीर महामारी कोरोना वायरस से कितने लोगों का मौत होने की है उस रिपोर्ट में उल्लेख? इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि उन लोगों की डेथ किसी अन्य बीमारी से हुई है अथवा कोरोना से हुई है। आप किस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के तौर पर हैं और क्या है? ग्राम पंचायत चंदूपुरी का सचिव। भाई साहब आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीब कितने लोगों की मौत हुई है और किस प्रकार से क्या लग रहा है? वो सब मतलब 60 से ऊपर ही और उनकी मृत्यु वृद्धावस्था में ही हुई है। अच्छा, 20 जने मरे। अच्छा, जिसमें गंभीर महामारी कोरोना वायरस से करीब कितने लोगों की मौत होना सामने आया है और रिपोर्ट आपके पास किस आधार पर आया अभी? उससे मतलब एक दिन हुआ कोरोना से मृत्यु नहीं हुई, बाकी अन्य बीमारियों से होना पाया गया। वृद्धावस्था है ये और कोरोना से एक भी शांति। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।